नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मणदास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कशन करेंगे नॉर्मलाइजेशन में फोर्थ एनएफ और फिफ्थ एनएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की फोर्थ एनएफ और फिफ्थ एनएफ की डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से हम जो लार्जर जो टेबल होता है या कॉम्प्लेक्स टेबल होता है उसे ईजीएस्ट टेबल में यानी एक से अधिक टेबल में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे टेबल में अगर विभिन्न प्रकार की रिडंडेंसी या इनकंसिस्टेंसी इस प्रकार की या फिर एनोमलाइज टाइप की अगर प्रॉब्लम उपलब्ध है अगर है तो उसे हम बहुत काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली जो होते हैं फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसी एनएफ, फोर्थ एनएफ और फिफ्थ एनएफ होते हैं, जिसमें से फर्स्ट एनएफ की कंडीशन तब होती है जब हमारे डेटा में अगर मान लो जाए किसी भी प्रकार की मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी अगर बनी हुई है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी अगर अभी भी बनी हुई है तो उसे हम रिमूव करेंगे तो डेटा हमारा फर्स्ट एनएफ में पहुंच जाएगा। हमारा डेटा सेकेंड एनएफ में तब जाएगा अगर वह डेटा फर्स्ट एनएफ में ऑलरेडी हो, साथ ही साथ उसकी रिमूव करेंगे हम पार्शियल डिपेंडेंसी को, यानी कि डेटा पूरी तरीके से फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। कोई भी डेटा थर्ड एनएफ में कब जाएगा, जब वह डेटा ऑलरेडी सेकंड एनएफ में हो और ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाए, यानी कि नॉन ट्रांजिटिविटी की कंडीशन हो। कोई भी डेटा बीसी एनएफ में तब जाएगा जब वह डेटा थर्ड एनएफ में हो तथा कंपोजिट की को हमें रिमूव करना हो। अब हम आज डिस्कस करते हैं फोर्थ एनएफ। कोई भी डेटा फोर्थ एनएफ में कब होगा, कोई भी डेटा फोर्थ एनएफ में तभी होगा जब वह डेटाबेस ऑलरेडी किस में हो, बीसीएनएफ में हो। अगर वह डेटा ऑलरेडी बीसीएनएफ में है तभी हम फोर्थ नॉर्मलाइजेशन के लिए उसको अप्लाई करेंगे। और दूसरा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंटेन नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, किसी प्रकार की मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो दो मुख्य शर्त है, पहला तो वह डेटा बीसीएनएफ में होना चाहिए, दूसरा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इस एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं, एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वह है, पहला जो डेटा हमारे पास है वह कौन सा है, स्टूडेंट कोर्स और हॉबी। ये हमारे पास जो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उस टेबल में हमने स्टूडेंट का कोर्स, स्टूडेंट का नेम और उसका हॉबी लिया है। यहाँ पर देखते हैं कि जो शुरुआत का फील्ड है उसमें देखते हैं कि अमन नाम का जो स्टूडेंट है जो कि बीबीए का स्टूडेंट है जो कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट का कोर्स के साथ और स्टूडेंट का हॉबी के साथ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बन गई है, क्योंकि अमन स्टूडेंट एक है परंतु वह क्योंकि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है इसलिए यहाँ पर अमन का यानी स्टूडेंट का हॉबी के साथ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बना। और दूसरा जो है, चूंकि एक स्टूडेंट दो अलग अलग खेल खेलता है, दो अलग अलग स्पोर्ट्स में उसका नाम है, हॉबी अलग अलग दो है, इसलिए उनको हमें दो बार लिखना पड़ा, ये यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बनी। साथ साथ अगर हम देखते हैं राज नाम का स्टूडेंट जो कि फुटबॉल सी खेलता है, स्टूडेंट एक ही है राज नाम का स्टूडेंट जो कि सिर्फ फुटबॉल खेलता है परंतु वो दो अलग अलग कोर्सों को बिलोंग करता है, बीबीए और बी फार्मा। इन दैट सिचुएशन यहाँ पर स्टूडेंट का कोर्स के साथ भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो हमें फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में इन्हीं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करके इसे दो टेबलों में स्प्लिट कर दिया। कैसे दो टेबल में स्प्लिट किया, पहला टेबल का नाम दिया हमने स्टूडेंट और कोर्स, जहां पर स्टूडेंट का नाम और केवल कोर्स को लिया गया है, और दूसरा है स्टूडेंट और उसकी हॉबी, तो स्टूडेंट के नेम और उसकी हॉबी को लिया गया है। तो यहां पर हमने इसकी सहायता से टेबल को दो, एक बड़े टेबल को दो टेबलों में स्प्लिट करके इसमें जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की जो प्रॉब्लम है उसे हमने दूर किया। नाउ हम चलते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ। कोई भी डेटा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, कोई भी डेटा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब वह फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हो, पहली कंडीशन कि वह फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हो, दूसरी कंटेन नॉट कंटेन एनी ज्वाइंट डिपेंडेंसी, किसी प्रकार की कोई ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तथा
ज्वाइन शुड बी लॉसलेस, जो ज्वाइन होगा वो कैसा होगा, लॉसलेस होना चाहिए। यानी कि अगर एक टेबल को हमने डिवाइड कर दिया है एक से अधिक टेबल में और उसके पश्चात उस टेबल पर वापस हम नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें वही ओरिजिनल टेबल प्राप्त होना चाहिए, किसी प्रकार की टेबल में डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए। फिफ्थ NF जो होता है वो ऑल्सो नोन एज द प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म, प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फॉर्म जब अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल वही टेबल मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ज्वाइन टू आर मोर डिकम्पोज टेबल शुड नॉट लॉस रिकॉर्ड नॉर क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, ना ही वो उसमें डेटा का लॉस हो ना ही उससे कोई नया रिकॉर्ड बने, हमें एग्जैक्ट ओरिजिनल वही टेबल प्राप्त होना चाहिए जो टेबल को स्प्लिट करने से पहले था। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल लिया गया है, उस टेबल में देखते हैं कि सेल्समैन, कंपनी और प्रोडक्ट, हमारे पास यहाँ पर तीन फील्ड है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सेल्समैन किस पर डिपेंड कर रहा है, कंपनी पर। अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग सेल्समैन है, जैसे कि रमेश सिर्फ डेल में काम कर रहा है, महेश सिर्फ लेनोवो में काम कर रहा है, सुरेश जो है सैमसंग और एचपी में काम कर रहा है। तो यहाँ की कंडीशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बनी हुई है, यानी कि यह टेबल अभी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इस टेबल को हमें फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्समैन, कंपनी और प्रोडक्ट दोनों पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंस है। अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बावजूद यहाँ पर ज्वाइन डिपेंडेंसी बची रह जाएगी, जैसे कि इस टेबल की मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हमने दूर करते हुए दो टेबल में से स्प्लिट किया। पहला टेबल है हमारा सेल्समैन और प्रोडक्ट का और दूसरा टेबल है सेल्समैन और कंपनी का। ये दो टेबलों में हमने इसको स्प्लिट कर दिया जिससे कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो खत्म हो गई परंतु अभी भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी बचा हुआ है। जैसे कि ज्वाइंट डिपेंडेंसी में बचा हुआ है कि कौन सा कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे एक तीसरे टेबल में हमने स्प्लिट किया जिसमें कंपनी और प्रोडक्ट को लिया गया, जिसमें कंपनी के नाम के साथ उसका प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि शुरू के जो दो टेबल में जब हमें स्प्लिट किए थे तो इन दोनों टेबल को वापस अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ओरिजिनल टेबल प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें एक तीसरा टेबल हमने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम कंपनी और प्रोडक्ट है, जिसमें हमने कंपनी और उसके प्रोडक्ट को रखा। अब इन तीनों टेबलों के बीच में जब हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पहले हम सपोज दैट ए बी और सी तीन टेबल है तो पहले बी और सी पर हम नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ए के साथ नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर ये टोटल जो है टेबल जो था हमारा रिलेशन आर है तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त हुआ स्प्लिट टेबल जो है आर वन, आर टू और आर थ्री, तो आर टू और आर थ्री के बीच नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। आर वन और आर टू और आर थ्री ये तीनों टेबल के बीच में जब नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो आर टू और आर थ्री का जो वैल्यू होगा उसको फिर से ज्वाइन करेंगे आर वन के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल वही आर ही आना चाहिए, तभी हमारा टेबल जो है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा। थैंक यू।